सुमित मुनव्वर फारूकी की नई स्टैंड अप कॉमेडी काला जादू करके एक वीडियो रिलीज हुआ। तो भाई पहले वीडियो देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के ऊपर बातचीत। चलो कोई है करके एक सीरियल आता था, पता है? पता है? गांड फाड़ सीरियल था। देखा करना रुक जा, तू कुकर लेके आई है घर से? रुक जा भाई, पहले मैं करता हूँ, ठीक है? सिंक करेंगे मस्त, पहले देख लो कितना लंबा है। ओ फक भाई फक, ब्रो फर्क नहीं पड़ता कौन सी सिटी में शो करो, छोटा करो, महंगी टिकट सस्ती टिकट फर्क नहीं पड़ता, हर शो पे एक लंड आदमी रहेगा भाई। मेरी बेइज्जती होगी ना भाई, कसम से मैं उठ के चल दिया। हर शो पे रहेगा कि जब मैं ये बोलूंगा ना कि वो कितना लंबा है, बोले कितना लंबा है। ठीक है, वो देख लो ताकि अपन सिंक कर सके। ठीक है चलो, अभी मैं कर रहा हूँ, सिर्फ सुनो। कोई है? ठीक है, अब सब साथ में करेंगे। ठीक है, मैं 1 2 3 करूँगा उसके बाद। कितना लंबा है? 2.3 सेकेंड। कितने चूतिया लोग भरे पड़े भाई। मैंने बोला हर शो पे एक रहता है। कभी कभी 2-3 होते हैं। ठीक है, ओके, रेडी है सब लोग? सब लोग रेडी? ठीक है, 1 2 3 ये जूतियां पकड़ने का तुम लोग पैसा दिए? देश तो यह करके सीरियल आता था ना, उसमें एक एपिसोड था कुएं वाली आत्मा, जो भी कुएं के पास जाता था उसको ये मार डालती थी। क्यों? क्योंकि ये कुएं में गिर के मर गई थी। तो ध्यान रखना। और मैं बोले गांव वालों को स्विमिंग आती है, कुएं में गिर कर कैसा मरी? बोले कुएं में पानी नहीं था। तो गई क्यों थी? तुम समझ रहे हो, वो कुआ है ना, कोई रंगोली नहीं है तेरे घर के बाहर, कोई बना के चला गया और तेरा पैर गिर गया। ओहो, तो गांव वाले तेरे को पता है अगर तेरे को पानी नहीं चाहिए तो तू वहां गई थी। कुएं में गिर के सिर्फ टिकटॉकर मर सकते। कोई साधारण इंसान नहीं मर सकता, ये टिकटॉकर लोग ही है, ये अपनी धुन में ही नहीं रहता। हवा में उड़ता जाए, गई गई हवा में उड़ गई, कुएं में गई, कुएं में गई। और इसको गुस्सा किस चीज का? लोगों को मार डालती है। क्या गुस्सा है? कह रहे मैं छप 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 करके नहीं मर पाई, मैं धप करके मरी। आप लोगों ने देखा नहीं ये सीरियल वगैरह, इस तरह के आते थे मूवीज वगैरह देखा, वेब सीरीज देखी है, राइट, थिएटर्स में पिक्चरें देखी है। मैंने रियल में देखा, मैं छोटा था चुनारे, मेरे गांव में एक मौलाना रहते थे, मौलाना जिन निकालते थे। तो एक दिन गया मैं देखने, मेरे घर पे मेरा दोस्त आया था भूरा, भूरा के फैन, भूरा भूरा फेमस, क्या बात है। तो मैं भूरे को लेके गया, भूरा बोला नहीं भाई मेरे को डर लगा, मैं बोला डरता है मरत, चल डर मत मैं हूँ। हम लोग गए और जैसे हम लोग गए ना तो वहाँ पे एक लेडी बुरखे में बैठी हुई थी ऐसे। तो मुझे लगा कान में हेडफोन है। मौलाना लड़की की माँ को बुला बुला, इधर आ जा।
क्या हुआ इसको? लड़की की माँ बोलती है, मौलाना मेरी बेटी एयर होस्टेस एक हफ्ते पहले इंग्लैंड से वापस आई है, और जब से वापस आई है इसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। और लड़की के अंदर था इंग्लिश जिन। तो मौलाना को इंग्लिश नहीं आती। मौलाना बुलाए ट्रांसलेटर को, ट्रांसलेटर की गांठ फट गई। बोले मौलाना ये क्या करवा रहे? अब जिन बुला लिया, जिन तो आ गया जलाल में, जिन तो लाइक मौलाना ट्रांसलेटर को पूछे, बोले क्या बोला? ट्रांसलेटर बोला कुछ नहीं। मौलाना भड़क गया। मौलाना बोले नहीं, बोलो जल्दी क्या बोला। मौलाना माधर चोर बोला तुम्हारा को। मैं और बुरा हंस रहे, बोले मौलाना सही है। मौलाना भड़क गया। मौलाना बोले हटो। मौलाना मोती निकाला है ड्रॉ में से, कुछ तो किया, लड़की गिर गई, मौला मार डाला। बुरा बोलता भाई कर छोटी जिंदगी मिला, रुक जा ना, अपन चश्मदीद गवाह है। मौलाना को जेल भेज के इसकी प्रॉपर्टी कब्जा करेंगे। इतने में लड़की खड़ी हुई, शिट प्रॉपर्टी हाथ से गई। वो लड़की खड़ी हुई इस तरफ देख, इस तरफ देख, इस तरफ देख, बुरे को देखे। पूरा डर मत, पूरा डर मत, इतना है पागल हो गया। लड़की गई उसकी माँ के पास, जाके खड़ी हुई और उसकी माँ को बोलती है, अम्मी मैं कहाँ हूँ? अम्मी यहाँ पे क्या हुआ? And we are like, fuck मौलाना did it. कर दिया भाई, कर दिया अपने मोहल्ले का मौलाना भाई। मैं और बुरा क्रेजी हो गए, हम लोग फुगड़ी खेल रहे। लड़की की माँ भी बहुत इमोशनल, वो भी बहुत इमोशनल, वो रोने लगी। मौलाना के पास गई, बोलती मौलाना आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बेटी की जान बचा ली, आपने मेरी बेटी का जिन निकाल दिया। मौलाना बोलता है, दैट्स माई जॉब बेबी। तो मैंने जो देखा वो बता रहा हूँ, मेरे साथ जो हुआ वो बता। 2007 की बात है, मैं 2007 में जूनागढ़ में रहता था, और 2007 में ही मैं जूनागढ़ से इंडिया आया। सी ये जोक भी मैं ऑडियंस का आईक्यू टेस्ट करने के लिए करता हूँ मैम। 0 मैं बताता हूँ, मैं 2007 में जब मुंबई आया मैं अपनी आंटी के साथ, और मैं बहुत बीमार हुआ। जब बीमार होते हो तो नॉर्मली क्या होता है, हम लोग जो गली में डॉक्टर रहता है ना, नहीं नहीं जो नॉर्मल डॉक्टर रहता है जो दवाइयाँ देता है, लेकिन मतलब मैं कितनी बार डॉक्टर को ही पूछ लिया कि डॉक्टर साहब कब आएंगे, तो वो वाला डॉक्टर वो देता था 6 कलर की गोलियाँ, 30 रुपए की पूड़ी बना गया। 2-3 दिन दवाई लिए, ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा। अब रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगी, डर गए सब लोग, ये रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही, डॉक्टर भी बोल रहे कि रिपोर्ट तो नॉर्मल आ रही है, और मैं कुछ भी खा रहा हूँ पी रहा हूँ पेट में कुछ नहीं जा रहा। बोले 10 दिन और ऐसा रहा तो ये मर जाएगा, क्योंकि मैं कुछ भी खाता था पीता था मेरे पेट में नहीं रहता, दवाई भी नहीं जाती थी, मैं कुछ खाता था उल्टी हो जाती, मैं पानी पीता था उल्टी हो जाती थी।
मेरी बिल्डिंग में एक औरत रहती है, वो मेरी आंटी के पास आई और आके बोलती है, सुनो सुनो यहाँ पे ना एक बाबा है, पैसा नहीं लेते। तो जब कोई पैसा नहीं लेता आपका एतबार बढ़ नहीं जाता? अरे पैसा नहीं लेता अच्छा ही करता होगा। मेरे को लेके गए बाबा के पास, बैठा बाबा ने ये जो दो अंगूठे मेरे आई बॉल पे रखे और उसको दबा। आंटी मेरे को दुख रहा है। आंटी बोले बाबा पैसा नहीं लेते। आप समझ लो कोई मेहनत कर रहा है, दुकान लगा के बैठा है और पैसे ही नहीं ले रहा है, तो आप तो भरोसा है भाई ये सही करता है? क्योंकि बाबा लोग की पब्लिसिटी होती है इसकी नहीं। यूजली क्या होता है पता है, स्टिकर लगे हुए रहते पता है ट्रेन में, रिक्शा में, शौचालय में लगे हुए रहते। आप ऐसे कभी शौचालय में जाओ, मैम आप नहीं ब्रो, तो ऐसा मूतने खड़े रहेगा ना तो ऐसा लगता है वो स्टिकर आपसे बात कर रहे हैं कि ब्रो तू खुश है, तू इसके साथ खुश है। समझ लो ये पब्लिसिटी है, बट ये तो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, पैसा ही नहीं लेते। तुम्हारे यार तुम्हारे ना बाबा छोड़ो मेरे को, बाबा बोलते नहीं छोड़ूंगा। बाबा को लग रहा है उसने जिन पकड़ लिया। देखो नॉर्मली मेरे को कोई ऐसा दबाएगा तो मैं बोलूंगा ना बाबा छोड़ो यार, थोड़ा जोर से दबाएगा तो मैं बोलूंगा बाबा छोड़ो। तो आंटी को पूछ रहे बोले ये आवाज नवर की है? नहीं, चिल्ला के बात नहीं करता मुनव्वर कभी। हाँ तो उंगली पे तो नहीं घुसड़ते घर पे। दबाया जा रहा दबाया जा रहा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। 5 मिनट के बाद मैंने किया कैरेक्टर प्ले, बाबा दबा रहा बोले चला जा इसके अंदर से, मैं बोला चला जाऊंगा। बाबा की भी फट गए बोले ओ और सवाल पूछने लगा कहां से आया इसके अंदर, बोले खड़े खड़े पेशाब करता है। पांच मिनट के सोल सेटिस्फेक्शन के बाद बाबा ने छोड़ दिया, मैं गिर गया, आंटी गुली मार डाला। वो बोले नहीं बेहोश हुआ है, मतलब बेहोश अपने को पता है 5 मिनट बेहोश रहने गए। 5 मिनट बेहोश के बाद मैं उठा, मैं कहाँ हूँ आंटी क्या हुआ यहाँ पे? क्योंकि देखो मुझे पता है ना कि चूतिया बना रहा है, बट अब मैं भी तो नहीं बोल सकता कि चूतिया बना रहा है क्योंकि मैं भी चूतिया बना रहा हूँ, पाखंडी तो मैं भी हूँ। चलो चलो ठीक हो गया हूँ मैं, हम लोग ऐसे घर पे आ गए। 2 दिन के बाद मैं ठीक हो गया, नेचुरली ठीक हुआ, बट क्रेडिट मिल रहा है। मेरी आंटी सबको बिल्डिंग में जाके बता रही है, वो एक कैंसर पेशेंट है उसको जाके बोली, बोले यहाँ पे एक बाबा है। अब वो कैंसर पेशेंट था कि बाबा है पैसा नहीं लेते। अच्छा ऐसे चल रहा है वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी वाला काम। और हम इंडियंस इन सब चीज़ों में कितना मानते हैं, ब्लैक मैजिक में काला जादू, आई एम नॉट सेइंग है नहीं है, पर इतना नहीं है जितना हम इसके पीछे पागल हो जाते हैं और हम लोग क्या क्या कर देते हैं इसके चक्कर में। आज भी मेरी आंटी को नहीं पता, आज भी मैं अगर उनको बोलूँगा ना तो नहीं मान रही, वो मेरे को बोलेगी अच्छा जिन वापस आ रहा है, क्योंकि हम यकीन ही ऐसा करते। उसामा बिन लादेन को पकड़ने अमेरिका को कितने साल लगे? 10 years। एक टेररिस्ट को पकड़ने में, उसामा बिन लादेन पकड़ने में अमेरिका सुपर पावर को 10 साल लग गए।
जस्ट इमेजिन अगर ओसामा बिन लादेन हावड़ा ब्रिज गिरा था तो बंगाली लोग गुड़िया बनाते। उसमें मारते पिन। वहां पे ओसामा टीले पे से बयान कर रहा होगा अलविद भाई, यहाँ सुग्रो तो मार रहा है घट कट कर। ऐसा काला जादू करते ना ओसामा खुद फ्लाइट पकड़ के कलकत्ता आता, आके बोलता आमी मौजू निका अल्हम्दुलिल्लाह। बकरों काटो रक्तदान करबो, ये मैं ऐसे ही बोल दिया। So, guys, काफी सही वीडियो था यार, कसम से बोलूं तो काफी सही वीडियो था। एंड जो लास्ट वाला जो पॉइंट था ना ओसामा वाला, बेस्ट, सबसे बेस्ट। अभी अपने को तो वीडियो पसंद आया, बाकी तुम लोग इस वीडियो के बारे में जो भी राय हो, अच्छी हो चाहे बुरी हो, तुम मुझे कमेंट करके जरूर बताना।